गुरुजी, गुरुजी, एक छोटा सा संदेह है मेरा। क्या है वो? क्या आपके माताजी पिताजी एक साथ मिलके नहीं रहते? नहीं, वो नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। कल ही तुम्हें बताया था, तुम्हारी समस्याओं की तरह। मेरी समस्या वो क्या है गुरुजी? वो भी समय आने पर बताऊंगा। चलो। चलिए चलिए। तूने बहुत गलत किया है। ग्रहण काल में ये करना ठीक नहीं। नाग देवता के साथ दुश्मनी मोल ली है। तुम्हारे पास अब भी समय है। नाग देवता से प्रार्थना करो, तभी तुम्हारा भला होगा। मतलब तो आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मैं अपनी शक्ति सिर्फ अच्छे काम के लिए ही दूंगा। अघोरी का यही धर्म होता है। तो फिर अब तुम जा सकते हो। कुछ तो गलत हो रहा है, नहीं तो गुरुजी वापस आते ही क्यों? फिर शंभुलिंगा को साथ ले जाना ऐसा क्यों किया? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, पर गुरुजी के लिए प्रार्थना करूंगा। शक्ति को पाने की मेरी आशा भंग हो गई है। पिताजी के पास जाने पर मुझे निराशा ही मिली है, और ऐसे समय में सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम ही मुझे बचा सकती हो माँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत दयालु है। तुम पिताजी के बेटे हो सकते हो, पर वो मेरा शिष्य है। तुम्हारे पिता शिष्य ही नहीं, सर्वशक्ति संपन्न है। एक नाग भैरवी ही नहीं, 1000 नाग भैरवी आ जाए ना तो भी क्षण भर में उनका नाश कर देंगे। वो सर्वशक्ति संपन्न है। उससे कहो, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। उस नाग भैरवी का सर्वनाश कर देगा। हमारे साथ तुम्हारे बड़े पिताजी होंगे। मैं इस नेवले से तुझे डरा के मारूंगा। तू सांप है तो मैं नेवला हूँ, समझी? अब बच। ए, ए, ए। आप क्या कर रहे हो? इसे दूर हटाओ। ये अच्छा नहीं है। हटाओ इसे। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? क्या कर रहा है बेवकूफ का? खेल रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, बिना बात बच्ची को डरा रहा है। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? वो अंकल सोनी को नेवले से डरा रहे हैं। क्या? अरे इतना बड़ा हो गया है, बच्चों से क्या काम है तुझे? तेरी मंद बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आती है? जा यहाँ से। जा यहाँ से। जाने दो ना माँ। तुझे नहीं पता बेटी, ताड़ की तरह बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि नहीं है इस मूर्ख को। डर गई क्या बेटा?
सोनी अंदर आ जाओ से बहू। आखिर ये उसे मिला कहाँ? हमारे घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आराम से सर। आ जाओ। आओ। ओके सर। फॉलो मी। इस गुफा से लेकर और आगे तक हम कहाँ जा रहे हैं तुमको पता है? जंगल में। सर। इधर आओ। यस सर। स्टैंड देयर। वहाँ पर क्या है? वहाँ। hey, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। ऑफिसर मैं हूँ क्या तुम हो? आप हैं सर। तो फिर वहाँ कहाँ जा रहे थे? इधर आओ। ओके चलो। फॉलो मी। तुम दोनों मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो। देखो इस नाग समुद्र पुष्कर का बहुत महत्व है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। कोई मूछ वाला आता है, कोई चश्मे वाला आता है। वेश बदल बदल कर कितने ही खतरनाक क्रिमिनल्स यहाँ पर आते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। वो लोग क्या करते हैं उन्हें देखकर हमें पकड़ना होगा। उसे डिटेक्शन कहते हैं। समझ गए? यस सर। ऐसे क्यों कर रहे हो? इतना क्यों डर रहे हो? हिम्मत से काम लो। घबराना मत, डरना मत। अगर हम ही डर जाएंगे तो वो हमें देखकर कैसे डरेंगे भाई? थोड़ी हिम्मत से काम लो। ओके सर। रिलैक्स। ओके सर। ओके सर। आओ हम उन्हें ढूंढ लेंगे। नमस्कार। अरे बाप रे, मेरे पैर। यही पर हम स्नान करेंगे। हाँ गुरुजी, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। गुरुजी ये अच्छी जगह है, यहीं पर स्नान कर लीजिए। इस डंडे को मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। आज एकादशी है, हम इस पवित्र नदी में स्नान करेंगे। तेरे जीवन में ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। गुरुजी, क्या हुआ? इस रक्षा धागे को निकाल दूं क्या? मेरे रहते तुझे रक्षा धागा की कोई आवश्यकता नहीं है। निकाल के फेंक दे उसे। ठीक है, निकाल देता हूँ। उस धागे को निकाल दे। ये मुझे दे। ये लीजिए। ला दे। अभी अभी निकाल दे। ये अभी निकाल के निकाल यहाँ रख देता हूँ। अब स्नान करूंगा। मेरा भरोसा कर। एए, कौन हो? रुक जाओ। रुको। क्या हुआ? मेरा नाम बाबूराव है, बदरिया का भाई, इस गांव का मुखिया। इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? हम जंगल में ही रहते हैं, हमारा सारा काम यही जंगल में होता है सर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसलिए पहले जैसा फ्री मोमेंट नहीं हो सकता। तो क्या हम जंगल में ना घूमें, ये आपका उद्देश्य है? उद्देश्य? ए, उद्देश्य की बात कर रहा है मुझसे? तुम लोगों को लेकर घूम रहे हो इसलिए शक है मुझे। संभल के। जी ठीक है, आते हैं सर। विकास सर, इस बाबू राव को ऑब्जर्व करो। ठीक है सर। रमेश सर, मुझे इस आदमी पर शक हुआ है।
संभल के। भाई, इस नागमणि के लिए नागराज को मारा। नागमणि मेरे कब्जे में है। नाग भैरवी बदला लेना चाहती है। उसे मैंने भूत स्थापित कर दिया था। उसकी आत्मा एक बच्ची में चली गई। वह आत्मा लड़की के रूप में आकर मेरे 3 शिष्यों को मार चुकी है। एक लिंगा, वीरलिंगा और चित्रलिंगा की बलि ले चुकी है। आने वाले 4 दिनों में ही ये काम हो सकता है। आने वाली पूर्णिमा के दिन मैं सर्वशक्तिमान बन सकता हूँ। उस नाग भैरवी का अंत करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। करोगे ना? उन शक्तियों को स्वाधीन न करने पर तेरा भाई नहीं बचेगा, तेरा भाई नहीं बचेगा। आप डरिए मत भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा और हम उसे मार डालेंगे। हाँ, ये क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सालों का मेरा प्रयत्न व्यर्थ चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने अपने जीवन को त्याग कर उसे संवार कर बड़ा किया है, उसे सर्वशक्तिमान बनाया है और आज वो शत्रुओं के सामने अच्छा बनने जा रहा है। वो कैसे अच्छा बनेगा मैं भी देखता हूं। ये भावना नंदन कौन है मैं उसको बताऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं लोगों के प्राण भी ले सकता हूं। सर्वशक्तिमान बनाकर मैं उसे सिद्ध करके रहूंगा। दीदी, 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 मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी। मेरा जैसा पापी कोई नहीं है। जागीर के लालच में मैं राक्षस बन गया था। मेरे अपने बेटे के मोह में मैंने बहुत गलत काम किए। तुम सबको परेशान किया, तुम सबको मैंने बहुत तकलीफ दी। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरे लालच की वजह से तुम सबको बहुत दुख झेलने पड़े। मुझे तो माफ करना भी पाप है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरे मन को शांति मिलेगी। मुझे माफ कर दो। ताकि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। तूने क्या गलत किया कि मैं तुझे माफ करूं? तू मुझे माफ करते। तुमने क्या किया जो तुम्हें मैं माफ कर दूं? गलत मैंने किया है, पाप तो मैंने किया है। मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं रे, मुझसे बड़ा जुल्म हो गया है। क्या जुल्म हुआ दीदी, बताओ ना, क्या हुआ? अरे बताओ क्या हुआ? तुम्हारा प्रसाद। तुम्हारा प्रसाद को? तुम्हारा प्रसाद हमें फिर से छोड़ गया रे। क्या दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? हे भगवान, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ?
कैसे हुआ बताओ। क्या पता, अभी इंस्पेक्टर कह गए हैं। मेरा प्रसाद। मेरा प्रसाद। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, उसके मुंह में इतने पाप किए मैंने, कितनी गलतियां की मैंने, और वही छोड़कर चला गया दीदी। भाई साहब, भगवान ने पता नहीं ये मुझसे कैसा बदला लिया है। बड़ी माँ, चुप हो जाओ। बड़ी माँ चुप हो जाइए, आप भी चुप हो जाइए। भाई साहब, बड़ी माँ चुप हो जाइए। बड़ी माँ, माँ जी शांत हो जाइए। माँ जी, माँ जी आप शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। दीदी, माँ जी आप भी शांत हो जाइए। सुनिए माँ जी, इतना मेरे बेटे के बिना मैं नहीं जी सकता दीदी। माँ जी शांत हो जाइए, मैं अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा दीदी। देखिए आप ऐसे रोइए मत, आपको शोभा नहीं देता। शांत हो जाइए माँ जी। ये क्या हो गया? बड़ी माँ आप ही गई है ना चुप होने के लिए। शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, पानी कितना ठंडा है, बहुत ठंडा है। अरे बाप रे, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी। अरे अरे बहुत ठंडा, तब कब लग गई। इधर आ, इधर आ। प्रणाम मालिक। तो जाकर उस कपड़े को जला दे। ठीक है मालिक।